मॉर्निंग दोस्तों, और आज फाइनली शादी है और शादी के लिए मैं मॉर्निंग हो चुकी है और आई एम जस्ट वोक अप. लाइक रात को हमें ना, मतलब मुझे लगता है शायद 4 बजे या 3:30 बजे सोए और बहुत बुरी हालत थी. इतना डांस किया कि आपने देखा होगा कि जब मैं लास्ट वीडियो बना रही थी मतलब कल डांस की, तब हालत कैसी थी. और अभी भी आंखें देखो सूज गई है और यहाँ पे इतनी धूप है ना यार कि आई कांट फॉरगेट माय सनस्क्रीन. ये बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर सनस्क्रीन इधर की उधर नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ऑन टॉप ऑफ माय स्किन. सनस्क्रीन लगाते हैं बस एकदम और नीचे जाएंगे कुछ खाते. मेरी जो दोस्त है उसका चल रहा है कुछ फंक्शन, मायना जैसे आते हैं वो चल रहा है तो उसको भी देखते हैं. ब्रेकफास्ट भी होते हैं ऐसे. तो एक बार सुबह चाय पी ली थी क्योंकि उसके रूम में आए थे वो. बस बैंड होके नहीं सो जाते, वैसे रूल हुए थे हम लोग. तो हम लोग ने हाँ रख दो ऐसा. तो लेट्स गो. सोच रही हूँ ना इयररिंग्स पहन लेती हूँ, है ना. ओपन अच्छा लग रहा है तो लेट्स गो. मेरे बाल कितने काले लग रहे हैं और जैसे ही धूप में आऊंगी लेट्स गो. हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ की बहुत फेमस पपीता की चटनी कुछ है, फाफड़े, कड़ी और इसको क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन डिश है ना ये, तो इडली. और हम लेते हुए बाकी सब लोग वहाँ पे. टाइम फॉर फूड, लंच कर रहे हैं हम लोग सब लोग. शादियाँ ऐसी होती है जिनमें हमेशा ऐसे फील होता है कि हम सब एक सीधे साधे सिंपल लोग हैं, नो डाउट. और आई थिंक यही ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा ग्राउंडेड रखती है अपनी चीज़ों से. सो आई थिंक आई एम फीलिंग दैट ओनली कि रेडी हो गए जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ एंड दिस इज हाउ आई लुक. तो हम जा रहे हैं ब्राइड के साथ, ब्राइड मेड्स, ब्राइड, साक्षी. पर देखो इधर शक्कू, कैसी लग रही है आंटी. For people because अगर मम्मी होती है ना सामने तो आप वो भले आप उनसे लड़ रहे हो लेकिन आपको सारी बातें याद आ जाती है यार कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करते. सो डिफिकल्ट यार, हम जिंदगी के बचपन से तो हमें पैदा करती हूँ और हम उड़ के चले जाते हैं किसी और के घर पे. ठीक है यार, ये पार्वती भगवान भी छोड़कर आए थे शिव जी के लिए, तो बस ऐसे ही होते हैं. पार्वती और शिव जी
आज दोनों एक दूसरे के साथ प्राण वचन ले रहे हैं कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे. सो लाइफ इज लाइक दैट ओनली, पीपल आर गुड. मैं बिल्कुल इमोशन नहीं होना है क्योंकि आई नो हाउ इट्स फील, बट आई एम नॉट गोना गो इमोशनल. मुझे पूरा मोटिवेटेड रहना है अपने दोस्त के लिए, ताकि इसके जितने भी लोग जितने भी है सब लोगों को ऐसा लगे कि नहीं यार नहीं ये सब करना है. सपने कुछ ना कुछ खा लिया है, लेकिन अब बारी है थोड़ा पैकअप करने की, क्योंकि जिस ब्रांड जिसकी मैंने आज वेडिंग में ड्रेस पहनी है उस ब्रांड का नाम है स्वतंत्रा, एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू बाय फ्रॉम दैट ब्रांड. बहुत यूनिक, बहुत अच्छी साड़ीज है यार, सच्ची बहुत सुंदर. मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, मुझे खुद को लग रहा था ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन नो डाउट आई लुक सो गुड. एंड यस, जब ब्रांड्स हमें अपनी ड्रेसेस या कुछ भी ऐसे भेजता है तो हम उसको अच्छे से सेट करके प्रॉपर तरीके से रखते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी कोई चीज़ आए ना तो वो ख़राब नहीं होनी चाहिए. या देखो, क्योंकि वो इतने ट्रस्ट से भेजते हैं और वो ट्रस्ट हमेशा बना रहे, यही सबसे बड़ी चीज़ रहती है. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इसको ना कैसे फोल्ड करना है. सो लेट्स फोल्ड दिस. बस फाइनली अब ये हो चुकी है. और मेरा ना सच्ची बता रही हूँ, पता है बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि मैं ये बिंदी ये बाल दिख रहा हूँ अपने भाई. ये बाल खोल लूँ, सच्ची बिल्कुल मन नहीं हो रहा, पर खुलना तो पड़ेगा. पैकिंग करते पूरा सामान फैला हुआ है. लेट्स डू पैकिंग. कैसा लग रहा है? बज चुके हैं सुबह के 6 बजे. जाना चाहिए, अब तो ठहर गया आराम से. तो सुबह के 5 बज चुके हैं और बाल खोल लिए मैंने, बहुत जरूरत थी यार. ऐसे तो मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, जब जरूरत होती है तब तो ऐसे बाल होते हैं. कोई बात नहीं, मैंने कल सीन किए थे, मैंने सिर्फ चोटी बनाई थी घूम के, तो अब मैं सोच रही हूँ फिर से चोटी ही बना लेती हूँ घूम के, इससे काफी ईजी रहेगा. और आज ना यहाँ पे एक लोचा हो गया था ना, पानी नहीं आ रहा था, इतनी आई लव बिल्डिंग. जस्ट लुकिंग लाइक चोटी लाइक ग्रेट. सो लगता है कोई के 5 और मेरी ट्रेन है, मुझे जयपुर निकलना है. और जयपुर आने के बाद लेट्स सी क्या होता है.
वैसे तो मुझे जोधपुर जाना था बट मैं जोधपुर नहीं जा पाई. We are back again with the team. अब कहाँ जा रहे हैं सब बता दो. इधर आओ अंशिका बताओ कहाँ जा रहे हो. Back to basic. आप घर मुंबई. मुंबई. हम जयपुर. लखनऊ. हम सब जा रहे हैं अपने अपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस जा रहे हैं, है ना? अपने घर. और अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं. ट्रेन आती है और फिर बैठेंगे. मेरी बुद्धि हटाई नहीं थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. बाकी मैंने अपना नाइट रूटीन स्किन रूटीन मॉर्निंग रूटीन सब कर लिया था और आपकी ना बस बंद होने वाली है. ऐसा लग रहा है कि बेड मिले और सो जाए बिकॉज हम लिटरली बिल्कुल भी नहीं सोए. तो अब सब फन कर रहे हैं, फिर सब अपने अपने रास्ते हम जाते हैं अंदर ट्रेन में.